नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है ममिता साहनी कुकिंग चैनल में। तो आज हम बनाएंगे आलू मसाला पपेटिस, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हमने 1 कप नाप कर ले लिए हैं मैदा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा कहीं भी, तभी मालूम पड़ेगा कि हम कैसे आलू मसाला पपेटिस हम बना रहे हैं। तो बनाते हैं इसको हम। सबसे पहले एक हम बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम मैदा डालेंगे 1 कप। ये हमारा 2 कप हो गया। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हम नमक डालेंगे, 1 चम्मच छोटा चम्मच हम अजवाइन डालेंगे। इसको क्रश करके डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब इसमें हम क्रिस्पी बनाने के लिए रिफाइन ऑयल 4 चम्मच डाल देंगे। देखिए, 4 चम्मच हम लगाए हुए हैं इसमें। बहुत बढ़िया हमारा आलू मसाला पॉपेटिस बनेगा, बहुत बढ़िया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बढ़िया से पूरा। देखिए, इसको मसलते हुए मिला लिए, ऐसे मुट्ठी बांधेंगे तो ये बंध रहा है। तो हमारा बहुत बढ़िया तैयार है मैदा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर 1 स्टफ्ड आटा लगाएंगे हम इसको पूरा। देखिए, आटा बढ़िया सब लगा कर इसको रख लिए। अब दिखाते हैं एक और आपको, इसको साइड में हम रखते हैं। अब आलू मसाला पॉपटिस बनाने के लिए हम आलू, देखिए, उबाल कर इसको पीसेस में काट कर बस कुकर में डालकर एक से 1.5 सीटी लगाए हैं। बड़ा बड़ा है आलू, इसलिए इसको पीसेस में काट लिए हैं। तो चलते हैं हम आलू मसाला पॉपटिस के बनाने के लिए, कुछ इसको अलग तरीका से हम बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। हम गैस पर कढ़ाई रख दिए हैं। आलू मसाला पॉपटिस बनाने के लिए सबसे हम आलू स्टफिंग बनाते हैं। तेल ले लेते हैं कढ़ाई में। इसमें अब हम जीरा डालेंगे। जीरा हमारा बढ़िया से चटक चुका है। अब इसमें मिर्ची और प्याज हम डाल देते हैं, डालकर बढ़िया से इसको अच्छे से भूनते हैं। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बहुत बढ़िया हम आलू स्टफिंग तैयार करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर 1 चम्मच कलर के लिए। और ये देखिए, ये मिर्ची है, लाल कश्मीरी मिर्च, और जीरा और मरीच है, इसको हम पेस्ट बना कर ले लिए हैं। इससे बहुत टेस्ट बढ़िया आएगा। इसको भून लेते हैं। हम जो आलू छोटा छोटा पीसेस में काट के रखे हैं, इसको हम इसमें डाल लेते हैं। डालकर बढ़िया से इसको हम चला लेते हैं, भूनते हैं अच्छे से। अब साथ में हम डालेंगे बहुत और टेस्ट बढ़ाने के लिए अजवाइन 1 छोटा चम्मच। इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे, इसको चला लेंगे अच्छे से। साथ में जाएगा 1 छोटा चम्मच नमक स्वाद अनुसार, अपने स्वाद अनुसार से आप कम बेसी कर सकते हैं। अब साथ ही में डाल लेते हैं धनिया, हम जो हरी धनिया है इसको, इससे बहुत स्वाद अच्छा आता है, फ्लेवर भी बढ़िया आता है। डालकर चला लेते हैं इसको भी। तो ये लीजिए, हमारा आलू स्टफिंग तैयार है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडा होने देते हैं थोड़ा। अब हम बनाएंगे एक और चीज़, सटा बनाएंगे। इसमें के लेप लगाने वाला 2 चम्मच हम मैदा लिए हैं। इसमें घी डालेंगे हम 2 चम्मच। बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए, हम इसको सटा तैयार कर लिए।
रोटी पर लगाने वाला, इसको हम साइड में रखते हैं। चलिए आटा के देखते हैं, बढ़िया हो गया है। अब इसको हम एक लोई तोड़ेंगे इतना पीसस में, ये देखिए। तोड़ लेते हैं पूरा, तोड़ लिए पूरा। इसको अब हम गोल गोल बना लेंगे, रोटी जैसा बनाना है इसको। अब इसको हम बेल लेंगे, रोटी जैसा होता है वैसा ही इसको हम सेक देंगे, रोटी जैसा पूरा बेल लेते हैं इसको। तेल लीजिए, हम रोटी बेल लिए तो पांचों रोटी ऐसा ही तैयार करेंगे। एक हम थाली लेंगे, इसमें हम उल्टा करके रखेंगे कि जो हमारा रोटियां है वो थाली में चिपके नहीं। बेल लेते हैं दूसरा भी हम। तो ये लीजिए, हमने पांचों रोटियां बेल कर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम लगाते हैं जो साटा बनाए थे लेप घी में। घी से खस्तापन देता है और तेल से क्रिस्पी देता है। हम पूरा फैला कर हाथ से इसको लगा लेंगे अच्छे से, ये देखिए। अब रोटी इस पर से एक उठाएंगे, फिर से इसको हम चिपका लेंगे अच्छे से पूरा बराबर। फिर से हम लेंगे हाथ से, फिर से हम लगाएंगे। ऐसा ही पांचों रोटियां हम साट लेंगे इसमें। ये लीजिए, पांचों रोटियां सटा लिए। अब बेलन से थोड़ा सा हम इसको प्रेस कर लेते हैं, बेल लेते हैं अच्छे से। पर बेल लेंगे इधर से, फिर से हम तो हम पूरा बेल लिए इसको। अब चाकू से किनारा किनारा से इसको हम ये हटा देंगे, आरी आरी के पार्ट, ये देखिए। इसको पूरा हटा लेते हैं हम दोनों बाजू से, चारों बाजू से। इधर से भी हटा देंगे, इसको निकाल लेते हैं। इसको फिर से हम बना लेंगे, फिर से बीच से कट लगा लेते हैं हम, इधर से लगा लेते हैं। अब इसको रखते हैं साइड में हम, एक लेंगे ऐसा पूरा, इसको बेलन से हल्का हल्का बेल लेंगे अच्छे से। ये देखिए, ऐसा ही बेल लेंगे सभी को हम। पूरा बेल लिए, इस पर अब हम भर के दिखाते हैं आलू स्टफिंग। अब इस पर हम आलू स्टफिंग रखेंगे, हाथ से रखते हैं। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी किनारा किनारे लगाएंगे चिपकने के लिए। अब हम उठाएंगे इसको ऐसा थोड़ा सा, और हम इस पर पानी लगा देंगे ऐसा, चिपका लेंगे, बंद करेंगे। फिर दूसरा भी उठाएंगे, दूसरा भी ऐसा ही हम पानी थोड़ा इस पर भी लगा लेंगे, इसको भी हम बंद कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा एक किनारा किनारा हम थोड़ा पानी लगा कर सील कर देंगे अच्छे से। तेल लीजिए हमारा कितना बढ़िया, तेल लीजिए हमारा आलू मसाला पापड़ी कितना बढ़िया तैयार है।
ऐसा ही हम सभी को कर लेंगे। तो ले लीजिए पूरा, देखिए तैयार कर लिए हैं। चलते हैं इसको सेलो फ्राई करेंगे बढ़िया से। गैस पर कढ़ाई रख दिए, कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं। अब इसको हम डाल लेंगे इसमें, मध्यम आंच पर इसको करना है फ्राई, सेलो फ्राई बढ़िया से। तभी हमारा पूरा ये लेयर लेयर है निकल कर आएगा अच्छे से। पूरा नीचे से सेकने देते हैं गोल्डन क्रिस्पी, ऊपर से हम इस तरह थोड़ा थोड़ा तेल निकाल निकाल कर डालेंगे। बहुत बढ़िया से देखिए ऐसा ही डालना है। डालने से बढ़िया से ये ऊपर से पूरा इसको अलग अलग पार्ट निकल कर आएगा। अब इसको हम पलट लेते हैं, देखिए कितना सुंदर इधर से पूरा गोल्डन हो गया है। दोनों बाजू से उलट पलट के बढ़िया से इसको अच्छे से हम पका लेंगे, सेक लेंगे अच्छे से। तो ये लीजिए पूरा अच्छे से इसको सेलो फ्राई हमने कर लिए, दिखाते हैं पास से आपको। तो ये देखिए कितना सुंदर इसको पूरा अलग अलग लेयर लेयर खुल के आया है। तो रखते हैं एक हम प्लेट में, दूसरा भी हम सही कर लेते हैं। इसको भी पलट लेते हैं, देखिए कितना सुंदर इधर से पूरा गोल्डन हो गया क्रिस्पी। इसको भी पूरा फ्राई हमने कर लिए, ऐसा ही हम सभी को कर लेंगे। ले लीजिए सभी को हमने सेलो फ्राई कर लिए, तो आपको एक दिखाते हैं हम प्लेट में निकाल कर। तो ये लीजिए हमारा आलू मसाला पापड़ी तैयार है, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। चटनी के साथ इसको आप इंजॉय करेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। ये देखिए हरा धनिया चटनी है, इसको साथ खाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। दिखाते हैं हम आपको पास से, ये देखिए हम पास से दिखा रहे हैं आपको, दिख रहा है कितना सुंदर। ये देखिए पूरा इसको लेयर लेयर निकल कर आया है पूरा, कितना बढ़िया। अगर वीडियो पसंद आए होंगे दोस्तों तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हमें कमेंट में बताइएगा कि हमारी रेसिपी आप लोग के कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।